नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए और एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें किसी कंपनी की या किसी शॉप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर हमें फाइनल करना हो तो हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है तो आप इस वीडियो को यही स्किप कर सकते हो। अदरवाइज आप बिल्कुल फ्रेशर अकाउंटेंट हो, बिल्कुल नए अकाउंटेंट हो, तो अगर आप भी किसी भी कंपनी की या किसी भी शॉप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें फाइनल कैसे करना होता है, किन किन स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ता है, ये सब कुछ नया सीखना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको वो सारी छोटी छोटी बातें बताने वाले हैं जो आपको फाइनलाइजेशन के वक्त आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के फाइनलाइजेशन के जो स्टेप होते हैं उसके बारे में। हम सबसे पहले आपको बताएंगे भी अगर आप किसी ऐसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कर रहे हो जहां पर वो अकाउंटिंग है जो किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं है, वो मैनुअल अकाउंटिंग है, तो मैनुअल अकाउंटिंग के अगर आपको स्टेप फॉलो पता चल गए तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को इजीली मेंटेन कर दो। तो सबसे पहले अपने चलते हैं एक्सेल शीट पे और यहां पर अपने उस स्टेप को समझते हैं भी फाइनलाइज के वक्त हमें स्टेप कौन कौन से फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर स्टेप की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या होगा भी आप अपनी जो भी कंपनी है जिस कंपनी की आप बुक्स फाइनल कर रहे हो उसके जितने भी स्टॉक स्टेटमेंट है उसको आपको तैयार करना पड़ेगा स्टॉक आइटम की। स्टॉक स्टेटमेंट का मतलब क्या बन गया भी आने जो भी आपकी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आपने क्वांटिटी के अंदर कितना परचेज किए और उसकी वैल्यू क्या रही है। सेम इसी तरीके से सेल जो प्रोडक्ट हमने परचेज किए उनको हमने सेल कितना कर दिया, ये हम बात कर रहे हैं इस टाइप की बिजनेस की जहां पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हम नहीं कर रहे हैं, केवल मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसके बाद में सेल और उसकी सेल की क्वांटिटी और उसके बाद में सेल की वैल्यू और उसके बाद में आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक आपका किस तरीके से आएगा कि आपने जितना परचेज किया सेल कर दिया और परचेज में से सेल को अगर माइनस करेंगे तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आ जाएगी और उसके बाद में जो क्वांटिटी आपकी बच गई अब इसकी वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ती है और इसकी वैल्यू यहाँ हम निकालते हैं लास्ट परचेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपकी कंपनी है वो एवरेज मेथड करती है, कौन सा मेथड यूज करती है वो आप एक बार कंपनी से जरूर डिस्कशन को करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो निकाल दी। टोटल मेरे पास में 10,006.60 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है जो बचा हुआ है। तो आपने ये क्या कर दिया, स्टॉक स्टेटमेंट तैयार कर लिया। अब इसके अंदर आपको पता क्या चल जाएगा भी आपके पास में जो स्टॉक बचा हुआ है वो कितने रुपए का बचा हुआ है, आपकी परचेज और ये आपकी टोटल सेल, ये तो आपने परचेज और सेल के जो अकाउंट आपने प्रिपेयर कर रखे हैं वहां से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मेन बात यह भी वहां से हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का पता नहीं चलता भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का बचा हुआ है, इसलिए हमें स्टॉक स्टेटमेंट है जो तैयार करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में हमारा स्टेप स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट है जो ट्रेडिंग अकाउंट से, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा बुक्स फाइनलाइजेशन का पहला स्टेप स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक तो आपके पास है नहीं, अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस पुराना चल रहा है तो आपके पास में जो लास्ट 31 मार्च का जो स्टॉक बचा हुआ था उसकी वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद में ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना परचेज कर लिया 13,880 रुपये और ये हमने अभी स्टॉक स्टेटमेंट के अंदर देखा था 13,880 रुपये का, ठीक है। तो ये हमने परचेज यहाँ पर लिख दी और 4,310 रुपये की हमने सेल करी है तो ये भी हमारी यहाँ पे 4,310 रुपये की सेल थी। तो ऑलमोस्ट आपने स्टॉक स्टेटमेंट तैयार कर लिया तो ट्रेडिंग अकाउंट एक तरीके से आपका यही तैयार हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है, अब ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिख दी 10,006.60 रुपये की, ये कहाँ से आई है, ये वाली 10,060 रुपये की, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का। अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या हमें पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है भी हमारी कंपनी के अंदर हमारी शॉप के अंदर हमें जीपी कितना मिला है, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट हमारे को कितना हुआ है। तो यहाँ आप ग्रोस प्रॉफिट देख रहे हो 436 रुपये और 60 पैसे का
हमारी कंपनी को ग्रोस प्रॉफिट हुए 4,310 रुपए की सेल अमाउंट के ऊपर। ठीक है, ये आपकी कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट है। अब देखो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी हम एक बार यहाँ से समझ लेते हैं। भी जितनी हमारी सेल थी और जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, इन दोनों को हमने यहाँ पर काउंट कर दिया, जिसकी वैल्यू आ गई 14,316 रुपये और 60 पैसे की। और इसके अंदर हमारा जो एक्सपेंसेस है, यानी कि जो हमारी परचेज है 13,880 रुपये की, वो हमने यहाँ पर इसके अंदर है जो माइनस कर दी। अब जो हमारी स्टॉक और जो सेल थी उसके अंदर हमने क्या किया, परचेज को हमने माइनस कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये 436 रुपये का जो प्रॉफिट आ चुका है, ये हमारा कंपनी का क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ चुका है। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारे पास स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पी एंड एल काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर क्या होता है, भी हमारी बिजनेस के अंदर जितना हमारे को ग्रोस प्रॉफिट हुआ है वो तो हमें यहाँ पर लिखना ही लिखना है। इसके अलावा अगर हमारी कंपनी की कोई अदर इनकम भी है, अब अदर इनकम मतलब क्या बन गया, भी जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपनी को कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, ठीक है, या आपकी कंपनी को कोई कमीशन रिसीव हुआ हो, या इसके अलावा कोई भी अदर इनकम अगर आपकी कंपनी को हुई है, तो हम वो ग्रोस प्रॉफिट के अलावा यहाँ पर अदर इनकम के अंदर भी नोट करेंगे। तो आपकी ग्रोस प्रॉफिट और अदर इनकम टोटल आपकी ये बिजनेस की इनकम होगी, और उसके अंदर हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे। आपकी इनकम में से आपका प्रॉफिट है जो आपका जो एक्सपेंसेस है वो घट जाएगा, और घटने के बाद में आपको क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यानी कि अगर आपका एक्सपेंसेस आपके इनकम से कम है तो आपको नेट प्रॉफिट होगा, अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपकी कंपनी को नेट लॉस होगा। अब हमारा इस प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से हमें क्या पता चलता है, भी हमारा नेट प्रॉफिट यानी कि हमारी एक तरीके की शुद्ध बचत कितनी हुई है। नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 136 रुपये और 60 पैसे का। तो सेकंड दूसरा स्टेप हमारे पास था प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का, और तीसरा हमारे पास फाइनल में आता है बैलेंस शीट का। ठीक है, ये हमारा तीसरा फाइनल स्टेप यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। अभी इसके अंदर क्या रहेगा, अभी इसके अंदर हमारी एक साइड रहती है हमारी कंपनी की लायबिलिटी और दूसरा रहता है हमारी कंपनी का एसेट्स। ठीक है, अब लायबिलिटी हमारी कंपनी की जितनी भी है, कैपिटल से रिलेटेड, सिंडिकेटर की होगी, बैंक की होगी, जो भी हमारे पास रहेंगे वो सारी की सारी लायबिलिटी हमारे को यहाँ इस बैलेंस शीट में दिखनी होती है। जैसा कि हमारे पास में कैपिटल था 50,000 रुपये की और एड प्रॉफिट, अब 136 रुपये 60 पैसे का जो प्रॉफिट है ये कहाँ से आया, इस प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से, ये हमारा जो प्रॉफिट है ये वहाँ से आया। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमारे कहते भी हमारी कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कम है, यहाँ से हम एक बार इसको हटाते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए। अब मान लीजिए हमने कह दिया हमारी कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो 150 रुपये का है, तो अब देखो हमारा नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया, क्योंकि खर्चा घटा तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो 286 रुपये 60 पैसे का जो प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा 286 रुपये 60 पैसे का जो प्रॉफिट है ये हमारा इस कैपिटल अकाउंट के अंदर एड हो गया, और ये कैपिटल हमारी टोटल होगी 50,286 रुपये और 80 पैसे की टोटल हमारी कैपिटल होगी। कैपिटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस करी थी वो अमाउंट, और प्लस हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट। उसके बाद में सेंड्री क्रेडिटर हो सकते हैं, आपका कोई बैंक की लायबिलिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट के टैक्स से रिलेटेड कोई लायबिलिटी हो सकती है, जितनी भी आपकी लायबिलिटी रहेगी वो हम बैलेंस शीट के इस लायबिलिटी वाले कॉलम के अंदर शो करते हैं। और उसके बाद में एसेट साइड के अंदर हमारे बिजनेस के जितने भी सेंड्री डेप्टर्स, यानी कि जितने हमारे कस्टमर हैं जिनसे हमें पेमेंट लेनी है, वो अमाउंट हमारे को यहाँ दिखानी होती है। उसके बाद में ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक, अब ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया, हमारे इस ट्रेडिंग अकाउंट से 10,006 रुपये 60 पैसे, ये वाली जो अमाउंट है ये हमारे इस बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर आती है। और उसके साथ साथ आपका कैश इन एंड, आपके पास में कैश कितना बचा हुआ है, या इसके साथ साथ आपका कोई भी बैंक बैलेंस है वो भी आपके इधर आएगा। अगर आपका कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस अगर आपकी एसेट बन रही है, जैसा कि आपका जीएसटी का इनपुट आपका बढ़ रहा है, तो वो भी आपका एसेट साइड के अंदर आपको दिखाना पड़ता है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर अंदर अपने बात करें तो हमें तीन स्टेप के अंदर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करना होता है। पहला, सबसे पहला आपको क्या करना है, स्टॉक स्टेटमेंट तो आपको तैयार कर लेना है, उसके बाद में आपको ट्रेडिंग अकाउंट अपना प्रिपेयर करना है,
ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज सेल और हमारा स्टॉक कितना बचा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा जीपी आ जाएगा। उसके बाद के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इसके अंदर हमारी बिजनेस की जो इनडायरेक्ट इनकम है और जो हमारी बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं वो आ जाते हैं। और हमारा जो फाइनल स्टेप बचता है बैलेंस शीट का, अब इसके अंदर हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं, हमारी कंपनी की लाइबिलिटीज और हमारी कंपनी की एसेट्स, ये हमारे बैलेंस शीट के अंदर हमें शो करने पड़ते हैं। अब अपने चलते हैं टेली सॉफ्टवेयर पर। अब टेली सॉफ्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका कोई भी हो, आपकी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो ऑटोमेटिकली वो प्रिपेयर कर देते हैं, बस आपको केवल एडजस्टमेंट की एंट्रीज है जो वो बाद में करनी पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ देखोगे फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट पर अपने इंटरप्रेस करेंगे तो कुछ रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसा कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशियो एनालिसिस। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ भी समझेंगे, तो लेकिन सबसे पहले अपने चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इंटरप्रेस किया तो इसके अंदर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो डाटा हमारा जो यहाँ पर है जो प्रिपेयर हो जाता है। अब इसके अंदर आप यहाँ देखोगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, जीरो है, और उसके बाद में आपकी कंपनी की टोटल परचेज कितनी हुई है, टोटल परचेज आपकी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में आपकी कंपनी की टोटल सेल और आपकी कंपनी का टोटल कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो सेल और स्टॉक यहाँ पर प्लस हो गया, इसके अंदर आपकी परचेज माइनस होगी, तो ये आपकी कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट आ गया। और ये जो ग्रोस प्रॉफिट आया है और ये ग्रोस प्रॉफिट आपका यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया। अदर इनकम कुछ भी नहीं है, तो आपकी एजिट जितना जीपी था वो आपकी सारी की सारी इनकम अभी यही बनी हुई है। उसके बाद में यहाँ आप देखोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जितने भी खर्चे हैं अभी वो आपके इस टोटल इनकम में से माइनस हो जाएंगे, और माइनस में होने के बाद में क्या आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट 2087 रुपये। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अपने चलते हैं बैलेंस शीट पर। अब बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो कैपिटल है, और कैपिटल के बाद के अंदर जितना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट हमें दिख रहा था वो प्रॉफिट हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री किस प्रकार होती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपने डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, और कैपिटल को हमने क्रेडिट किया तो ये हमारा बैलेंस है जो इस कैपिटल अमाउंट के अंदर जो इंक्रीज होगी यहाँ आपको दिखेगा। अगर अपने कैपिटल की बात करें तो कैपिटल केवल 1,00,000 रुपये की थी, ठीक है, और इसी के अंदर हमारा बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है वो हुआ है, और वो जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो नेट प्रॉफिट और कैपिटल दोनों प्लस होके यहाँ पर नेट कैपिटल अमाउंट आपको दिखेगी। उसके बाद में ये हमारी बैंक की लायबिलिटी है, हमने यहाँ के बैंक से एक तरीके से लोन लिया हुआ है, और वो लोन अमाउंट हमारे को यहाँ भी क्रेडिट साइड के अंदर दिखानी पड़ेगी, यानी कि लायबिलिटी हमारी बन रही है। इसके अलावा ड्यूटीज एंड टैक्सेस की हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है, सैलरी क्रेडिटर्स की लायबिलिटी यहाँ पर आ रही है, यानी कि हमारे पास ये पैसा है जो हमारे हमारे सप्लायर्स को पे करना है जिनसे हमने गुड्स है जो परचेज किया हुआ है। उसके बाद के अंदर आपकी एसेट साइड के अंदर अपने बात करें तो करंट एसेट के अंदर ये सारी डिटेल्स आ रही है। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, अब ये क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से। उसके बाद में ये सेंडेड डेप्टर्स, ये हमारे वो कस्टमर की लिस्ट यहाँ पर आएगी जिनको हमने गुड्स सेल किया था, उसके अगेंस्ट में हमें पैसा भी लेना है। ये हमारा कैश इन हैंड, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर कितना पैसा बचा हुआ है नगद के रूप में वो आ जाएगा। और उसके बाद में हमारा CGST टैक्स का इनपुट और SGST टैक्स का इनपुट, यानी कि जो हमारा इनपुट टैक्सेस है वो हमारा एसेट बन रहा है। अगर हमारा ये इनपुट है जो अगर आउटपुट से ज़्यादा होता तो हमारा ये लायबिलिटी बन जाती है, लेकिन अब हमारा इनपुट है वो आउटपुट से कम है, आउटपुट से ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी कि इनपुट हमारा ज़्यादा है आउटपुट कम है, तो हमारा जो बैलेंस है वो एसेट साइड का पार्ट बनेगा। अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है इनपुट कम है तो जो डिफरेंस अमाउंट रहेगी वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, यानी कि वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट है जो करवाना होता है। तो अगर अपने सिंपल भाषा में बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ऑटोमेटिक प्रीपेयर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर अपने बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपकी जितनी परचेज है या जितनी आपकी सेल है, अब ये सेल परचेज आप कुछ चेंज कर नहीं सकते क्योंकि परचेज के अकॉर्डिंग आपने ITC दे रखा है, वो आपकी परचेज बिल्कुल सही है, आप इसको ना तो कम कर सकते ना आप ज़्यादा कर सकते, क्योंकि इसके साथ साथ आपके जो सप्लायर हैं उनके साथ आपकी अकाउंट की स्टेटमेंट वो भी मैच हो चुकी है, उनको आप इनके परचेज के अगेंस्ट के अंदर आप उसको पेमेंट भी कर चुके हो। सेल आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने GST रिटर्न के अंदर आप इसकी सेल है जो आप प्रॉपर दिखा चुके हो, इसका आउटपुट टैक्स भी आप डिपॉजिट करा चुके हो, तो आप टैक्स की सेल के अमाउंट को भी आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते,
और क्लोजिंग स्टॉक ये आपका ऑटोमेटिकली आएगा, इसके अंदर भी आप कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ नहीं बचा। अब बात अपने बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपका जीपी है वो तो आएगा ही आएगा, उसके अंदर अपने कम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपकी जितनी इनडायरेक्ट इनकम हो रही है उसके अंदर अपने कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है भी, अगर आपकी बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो आप कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री यहाँ पे दिखा सकते हो, लेकिन वही एज ए लीगल के रूप के अंदर। ऐसा एक्सपेंसेस अगर वो टीडीएस की लायबिलिटी अगर उस एक्सपेंसेस के ऊपर नहीं बनती है, 10,000 रुपए से ज्यादा की आपकी कैश के ट्रांजेक्शन उसके अंदर एक्सपेंसेस के अंदर नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर उसका वाउचर आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यानी कि एज ए लीगली आप उसको कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है कम आ रहा है तो आप एक्सपेंसेस की एंट्री को कम कर सकते हो, यानी कि खर्चों की एंट्री को आप डिलीट कर सकते हो, तो आपका प्रॉफिट है जो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर अपने फाइनल की बात करें तो फाइनल ऑलरेडी यहाँ पर सिस्टम साथ के साथ कर चुका होता है जब हम डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, यानी कि परचेज की, सेल की, पेमेंट की, रिसिप्ट की जब हम एंट्री कर चुके होते हैं तो ये हमारा बुक्स अकाउंट जो फाइनल है वो साथ के साथ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो करता ही रहता है। लेकिन हमें केवल कुछ एडजस्टमेंट की एंट्री हमें करनी पड़ती है, जैसा कि हमारा नेट प्रॉफिट अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें ट्रांसफर करना होता है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ रहा है। अब इसी तरीके से हम बैलेंस शीट पे अपने देखते हैं, जैसा कि हमारा ये सीजीएसटी का इनपुट आ रहा है। अगर आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर टेली सॉफ्टवेयर में देखोगे तो ये आपको अपना लाइबिलिटी साइड के अंदर ये माइनस के अंदर शो कर रहा होगा। तो हमने कुछ इस तरीके से इसकी एंट्री को भी हमने ट्रांसफर कर दिया। हमने क्या किया, एक सीजीएसटी टैक्स इनपुट का एक लेजर क्रिएट किया, ग्रुप इसका रखा हमने करंट एसेट के अंदर, ठीक है, और कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं करी। इस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। सेम इसी तरीके के एसजीटी टैक्स इनपुट का लेजर हमने क्रिएट किया, ग्रुप इसका रखा हमने करंट एसेट के, इसके अंदर भी कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, इस अमाउंट को भी डेबिट कर दिया। और उसके बाद में ये जो हमारा सीजीएसटी टैक्स और एसजीटी टैक्स है जो हम सेल और परचेज की एंट्री के दौरान यूज करते हैं, इन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इनका जो बैलेंस है वो डेबिट आ रहा था। और डेबिट में आने का मतलब हो गया भी ये आपका जो बैलेंस है, अब ये एक बार हम इसको एंट्री को डिलीट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दिखाता हूं मैं। अब देखो आप इसका बैलेंस मेरे को यहाँ पर एसेट साइड के अंदर शो कर रहा है, लेकिन अब इस एंट्री को मैं एक बार यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो जैसे मैंने इस एंट्री को डिलीट किया तो मेरा अब आप यहाँ देखो जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है अब ये यहाँ पर मेरे को माइनस के अंदर शो करना स्टार्ट कर दिया और वो अमाउंट यहाँ से हट चुकी है। बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे टोटल पे मतलब इसके अंदर वो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर जब एड होना चाहिए तो वो एड होने की वजह अब ये मेरा लाइबिलिटी के अंदर से ये कम हो रहा है, जो कि हमें बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ये सिस्टम ये कहता है कि आपको ये ड्यूटीज या टैक्सेस के जो आपका एक्सेस बैलेंस है अगर आपका ये माइनस में आ रहा है तो आपको एसेट साइड के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। किस तरीके से करते हैं, वाउचर पे चलते हैं, जर्नल एंट्री करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो सीजीएसटी टैक्स का हमने करंट एसेट के अंदर हमने यूज किया था। एक बार हम इसका बैलेंस को चेक कर लेते हैं और यहाँ हम वापस लेजर को डेबिट करेंगे सीजीएसटी टैक्स इनपुट को, उसके बाद वापस फिर डेबिट का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और एसजीटी टैक्स इनपुट का लेजर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स जो हमारा सेल परचेज के दौरान हम यूज करते हैं इस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और एसजीएसटी टैक्स के अमाउंट को भी हमने सीजीएसटी को भी अपने क्रेडिट करेंगे। एसजीएसटी हो चुका है, सीजीएसटी टैक्स को एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हमने एंट्री पास करी, बैलेंस शीट पर अपने वापस चलते हैं तो यहाँ आप देखोगे अब यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर इसने माइनस से हटा के और ये मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स का बैलेंस है जो इस साइड के अंदर शो करना स्टार्ट हो चुका है। और इसी तरीके से अगर अपने कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो के अंदर आपके पास वो डाटा आपको दिखाएगा भी इनफ्लो का, यानी कि आपकी बिजनेस के अंदर टोटल इन्वेस्ट आया पैसा आया कितना है और आउटफ्लो का मतलब टोटल पैसा बिजनेस से निकला कितना है, यानी कि 100,000 रुपये एक पैसा आया है और 94,700 रुपये आपका आउटफ्लो गया है, तो ये आपके पास में कैश है जो बचा हुआ रहता है। इसी तरीके से फंड फ्लो, अब फंड फ्लो का मतलब आपके पास में ये टोटल जितनी भी आपके पास है कैपिटल्स है वो कैपिटल्स आपकी कितनी इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी फंड फ्लो के अंदर शो होती रहेगी। रेशियो एनालिसिस के अंदर आपको टोटल दिखेगा भी आपका जीपी का परसेंटेज क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज क्या आ रहा है, करंट रेशियो क्या आ रहा है, क्विक रेशियो क्या आ रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। जैसा कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 91.27% का आ रहा है, ग्रोस प्रॉफिट आपका वो आपका 100% ही आ रहा है। यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 8%, यहाँ पर अगर इस पर एंटर प्रेस करते हैं नेट प्रॉफिट में तो ये आपको ये चीज़ दिखाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। अब नेट प्रॉफिट दिखाने का मतलब ये क्या कह रहा है
भी जितनी आपकी सेल थी वो उतना ही आपका प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि जितनी सेल उतना ही प्रॉफिट, इसका मतलब 100% प्रॉफिट आ रहा है, या हमारा प्रॉफिट है जो कुछ कम हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट कम हो गया, नेट प्रॉफिट कम हो गया, यानी कि सेल थी 2287 की और 2087 रुपये का नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है 91 रुपये का। और ये 100% जो जीपी आ रहा था, आप जीपी देखो कि जितनी सेल है उतना ही आपका प्रॉफिट यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी सेल की अमाउंट अगर कम ज़्यादा करोगे, मान लीजिए हम यहाँ से किसी एक अमाउंट को यहाँ पे एंट्री को हटाते हैं, या किसी अमाउंट को अपने यहाँ पे क्वांटिटी को कम कर देते हैं, या इसका रेट भी हम थोड़ा कम कर देते हैं, और यहाँ पर भी इसकी क्वांटिटी को अपने एक एक कर देते हैं और रेट भी इसका कम कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या रहने वाला है, इसका भी अपने इफेक्ट को देखते हैं। हमने इसकी सेल जो हमारी कम कर दी, ठीक है। अब सेल कितनी होगी आपकी 195 की, और इधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी इतना ही आ रहा है, तो इसका मतलब अब यहाँ आप देखोगे नेट लॉस हो चुका आपका, क्योंकि अब आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपके इनकम से ज्यादा हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर ये नेट लॉस है जो शो करता है। तो इस तरीके से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, सबसे पहले हमें जो हमारा स्टॉक स्टेटमेंट है उसको हमें प्रिपेयर कर लेना है, उसके बाद हमें ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद में बैलेंस शीट, ये सारा डाटा हमें तैयार करना पड़ता है। और अगर अपने शॉर्टकट देखें एल्ट जी पे जाके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं भी फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट, तो फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट के अंदर आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल और रिसिप्ट एंड पेमेंट, आपको यहाँ पर ये फाइनल अकाउंट के अंदर जो शो करनी पड़ती है। अगर आप एनपीओ की अगर अकाउंटिंग आप कर रहे हो, तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट, जैसे कि आप किसी स्कूल की या किसी कॉलेज की अगर आप कर रहे हो, तो वहां पर हम पेमेंट एंड रिसिप्ट को यूज करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम यूज करते हैं। तो आई होप कि आज की इस क्लास से आप समझ गए होंगे कि अगर आपको किसी शॉप की या किसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपको फाइनल करने पड़े, तो सबसे पहले आपको स्टॉक स्टेटमेंट, उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद में बैलेंस शीट। इस स्टेप के अंदर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी भी शॉप की किसी भी कंपनी के हम फाइनल कर सकते हैं। वीडियो से अगर कुछ आपको नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना।